हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पैरामेडिकल। शिवशंकर पैरामेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का पैरामेडिकल का पीएम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किए थे जीवाणु से, ठीक है, मोनेरा जगत शुरू किए थे, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने जीवाणु को शुरू कर दिया था। और हमें एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सारा बाकी चीज तो हम बता रहे हैं 8:30 बजे से प्रतिदिन, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे जगत मोनेरा में। पिछले क्लास में छड़नुमा जीवाणु के देखे थे और आज देखेंगे गोलनुमा जीवाणु के बारे में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जीवाणु के बारे में। देखिए, मोनेरा जगत में अध्ययन किसे करते हैं? जीवाणु का। लेकिन आज हम बात करेंगे गोलाकार जीवाणु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोलाकार जीवाणु के बारे में बात करेंगे कि गोलाकार जीवाणु जो है होता क्या है। देखिए, समझिएगा बढ़िया से एक एक बात है। गोलाकार जीवाणु जो होता है, एकदम बढ़िया समझिएगा, ये गोलाकार जीवाणु जो है, इस गोलाकार जीवाणु को कहा जाता है कोकस। गोलाकार जीवाणु को क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं। और गोलाकार जीवाणु का मतलब हो गया कि वह ऐसा जीवाणु जो गोल के आकार का होता है। कैसा होता है? गोल के आकार का। तो जो जीवाणु गोल के आकार का होता है उसे गोलाकार जीवाणु कहते हैं। समझिए यहाँ पे बढ़िया से। गोलाकार जीवाणु जो होता है कई प्रकार के होता है। जैसे बात कर लेते हैं पहला, तो मोनोकोकस। पहला क्या होता है? मोनोकोकस। देखिए समझिए बढ़िया से कि मोनोकोकस क्या होता है। देखिए समझो, यहाँ पे गोलाकार जीवाणु जो होता है उसको कोकस कहते हैं। और गोलाकार जीवाणु जो कई प्रकार के होता है, जैसे मोनोकोकस, मोनोकोकस को समझिएगा। मोनोकोकस एक ऐसा जीवाणु है जो कि अकेले रहता है। क्या होता है? मोनोकोकस ऐसा जीवाणु है जो अकेले गोलाकार के रूप में रहता है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं अकेले गोलाकार, अकेले गोलाकार के रूप में, जो अकेले गोलाकार के रूप में रहता है। तो जो जीवाणु अकेले गोलाकार के रूप में रहता है उसको बोलते हैं मोनोकोकस। अब मोनोकोकस में कौन आएगा? जैसे में देखिए, जैसे में एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस जो है जीवाणु का नाम है। किसका नाम है? जीवाणु का माइक्रोकोकस नाम है। और माइक्रोकोकस ऐसा जीवाणु है जो पूरे पृथ्वी पर अकेले रहता है, किसी के साथ में नहीं रहता है, गोलाकार के आकार का दिखाई भी देता है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात कर ले तो दूसरा जो होता है वो होता है डिप्लोकोकस। दूसरा क्या होता है? डिप्लोकोकस। अब ये डिप्लोकोकस कौन सा जीवाणु होता है? देखिए, डिप्लोकोकस की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरा यानी गोलाकार जीवाणु का ही दूसरा प्रकार हो गया। तो डिप्लोकोकस जो होता है वह जीवाणु दो गो गोलाकार के रूप में दिखाई देता है। कितने रूप में दिखाई देता है? दो गो गोलाकार के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि वह ऐसा जीवाणु जो दो दो के समूह में रहता है, दो के समूह में गोलाकार दिखाई देता है, गोलाकार होता है। देखिए, डिप्लोकोकस एक ऐसा जीवाणु होता है जो जब भी दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से, जब डिप्लोकोकस को देखिएगा तो डिप्लोकोकस जो होता है हमेशा दो गोला गोला जैसा रहेगा। है एक ही जीवाणु लेकिन दो के जैसा संरचना दिखाई देगा, उसको डिप्लोकोकस कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो जैसे में आता है आपका कौन सा जीवाणु दो के रूप में रहेगा? तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु का नाम है। क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या है? जीवाणु का नाम है, ठीक है। अब इधर समझ लीजिए आगे। तीसरा, चलिए तीसरा समझिए बढ़िया से। यहां पे अगला जो होता है डिप्लोकोकस हो गया। देखिए यहां पे एक एक बात जो है ना अच्छे से समझिएगा।
कि मुगलाकार जीवाणु के प्रकार भी, उसके बारे में कि कैसे कैसे रहता है, उसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे होता है आपका टेट्राकोकस। क्या होता है? टेट्राकोकस, टेट्राकोकस होता है। अब इस टेट्राकोकस को समझिएगा बढ़िया से कि क्या होता है। देखिए, समझिए यहां पे बढ़िया से, एक एक बात समझिएगा। टेट्राकोकस जो होता है यहां पे, ये होता है ऐसा जीवाणु जो होता है, ये चार गो के संरचना के रूप में दिखाया गया। कैसा देखा? चार गो गोलाकार संरचना के रूप में, यानी सीधा सीधा कह सकता है कि ऐसा जीवाणु होता है जो चार कोशिका के गोलाकार के रूप में संरचना के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो चार कोशिका के, चार के समूह में, चार के समूह में, समूह में गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। देखिए यहां पे सीधा सीधा अगर कह सकते हैं तो दो कोशिकाओं का जो समूह होता है जीवाणु उसको डिप्लोकोकस, चार कोशिकाओं का जो समूह होता है जीवाणु उसको टेट्राकोकस कह सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये टेट्राकोकस में कौन सा जीवाणु आता है? तो टेट्राकोकस में जीवाणु होता है आपका माइक्रोकोकस। क्या होता है? माइक्रोकोकस ल्यूटियम, माइक्रोकोकस ल्यूटियम। क्या होता है? ल्यूटियम। चलिए, माइक्रोकोकस ल्यूटियम। अगर हम चौथा बात कर ले, चौथा जीवाणु के यहाँ पे, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस। चौथा जीवाणु क्या होता है? चौथा जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये हो गया चौथा जीवाणु। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होता है ये कैसा दिखाई देता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जितना भी पृथ्वी पर है वो सभी जीवाणु गोलाकार तो होता है लेकिन एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? श्रृंखला के रूप में। यानी जो जीवाणु क्या दिखाई दे? श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला के रूप में जीवाणु होता है, रूप में, श्रृंखला के रूप में जो जीवाणु होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। जैसे में एग्जांपल इसका देख लीजिए, एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैटिक्स, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स, लैक्टिस। चलिए पांचवें नंबर जो होता है वो पांचवा नंबर पे होता है, देख लीजिए समझिए बढ़िया से, स्ट्रेप्टोकोकस। यहां तक याद रखिएगा सब एक एक बात। पांचवें नंबर पे आता है आपका स्ट्रेफाइलोकोकस। क्या होता है? स्ट्रेफाइलो, फाइलोकोकस, स्ट्रेफाइलोकोकस। ये जीवाणु कैसा होता है? तो जो जीवाणु, सुनो, स्ट्रेफाइलो जो होता है यह जीवाणु ऐसा होता है जो एक गुच्छा के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक गुच्छा के समान दिखाई देता है। तो जो जीवाणु गुच्छा के जैसा दिखाई देगा, एक एक बात समझिएगा बढ़िया से कि गुच्छा के समान दिखाई देता है, और वैसा जीवाणु जो गुच्छा के समान दिखाई देता है या गुच्छा के समान होता है, तो गुच्छा के समान जो जीवाणु होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं? कि जो जीवाणु गुच्छा के समान दिखाई देता है उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कौन सा जीवाणु? स्ट्रेफाइलो, फाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। यहां पे समझिए, फिर अगला एगो समझ लीजिए यहां पे, छठा। यहां पे लिख देते हैं छठा। चलिए देखिए, छठा जो जीवाणु होता है उसको सरसिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरसिनो बोलते हैं। अब ये सरसिनो जो होता है इसको समझिए बढ़िया से कि वैसा जीवाणु जिसमें 8 से लेकर के 64 कोशिका का समूह होता है, 8 से लेकर के 64 कोशिका का समूह होता है, समूह
होता है और इसका आकार की बात कर ले तो आकार जो है घनाकार होता है। कैसा होता है? घनाकार होता है, ठीक है, ये घनाकार होता है। तो 864 कोशिका का समूह होता है, ये घनाकार होगा तो ऐसे बना रहेगा घन के आकार का, समझ रहे हैं बात? चलिए, घन के आकार का ऐसे बना हुआ रहेगा तो इसको बोलते 864 कोशिका का समूह रहेगा ये घनाकार, इसको सरसिनो कहते हैं। तो याद रखिए गोलाकार जीवाणु टोटल 6 प्रकार के होता है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सरसिनो। सरसिनो का एग्जाम्पल सरसिनो ही होता है, ठीक है। तो मोनोकोकस जो अकेले रहता है, डिप्लोकोकस जो दो के समूह में रहता है, टेट्राकोकस जो चार गो के समूह में रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो श्रृंखला एक लाइन के रूप में रहता है, चैन के रूप में, स्टेफाइलोकोकस जो गुच्छा के रूप में होता है, और सरसिनो जो एक घनाकार संरचना के रूप में होता है जिसमें 864 कोशिका होती है। तो इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कोमानुमा जीवाणु। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको आगे समझिए, देखिए यहां पे समझिएगा, एक एक बात जो है अच्छे से समझिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीवाणु कोमानुमा जीवाणु, ठीक है, जो कोमा आकार का होता है, कोमा आकार। देखिए कोमा आकार का जो जीवाणु होता है उसको समझिए, कोमा आकार का जीवाणु जो होता है वो अंग्रेजी के कोमा के जैसा ऐसा दिखाई देता है, ये अंग्रेजी के कोमा के जैसा दिखाई देता है जो जीवाणु, यानी कोमानुमा होता है, वो वैसा जीवाणु जो कोमानुमा होता है उसे कोमानुमा जीवाणु कहते हैं, ठीक है। तो कोमानुमा कौन होता है? तो एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले तो एग्जाम्पल में जैसे बाई ब्रियो कोलाई या कॉलेरी भी बोल सकते हैं, बाई ब्रियो कॉलेरी, ये ऐसा जीवाणु है जब भी इसकी संरचना देखिएगा तो ऐसे कोमा के जैसा बना हुआ रहता है। इसके बाद आता है आपका एक और जीवाणु, वो सर्पिलाकार। क्या होता है? सर्पिलाकार जीवाणु। अब ये सर्पिलाकार जीवाणु कौन सा होता है समझिएगा बढ़िया से। सर्पिलाकार जीवाणु जो होता है जो स्प्रिंग के आकार का कैसा दिखाई देता है? स्प्रिंग के आकार का, स्प्रिंग के आकार का दिखाई दे। तो स्प्रिंग के आकार का जो होता है जीवाणु उसको सर्पिलाकार जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल में बात कर ले तो जैसे होता है स्पाइरोकीट होता है। क्या होता है? स्पाइरोकीट। फिर अगर हम बात कर ले यहां पे बहुरूपी जीवाणु का, किसका? बहुरूपी जीवाणु का, कि बहुरूपी जीवाणु क्या होता है तो समझिए बढ़िया से। बहुरूपी जो जीवाणु होता है तो बहुरूपी जीवाणु ऐसा होता है कि जो वातावरण के माध्यम के अनुसार, वातावरण के माध्यम के अनुसार, वातावरण के माध्यम के अनुसार आकार बदलते रहता है। क्या करता है? आकार बदलते रहता है, आकार बदलते रहता है, उसको बोलते हैं बहुरूपी जीवाणु। एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो एग्जाम्पल जैसे राइजोबियम। तो राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो वातावरण के माध्यम के अनुसार अपने आकार में परिवर्तन करते रहता है। तो सर्पिलाकार जीवाणु उसको बोलते हैं जो स्प्रिंग के आकार का होता है, जैसे स्पाइरोकीट जीवाणु। और वैसा जीवाणु जो कोमा के आकार का होता है उसे कोमानुमा जीवाणु कहते हैं, जैसे बाइब्रियो कॉलेरी। तो बस यही था जीवाणु, और इसके बाद अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जीवाणु का संरचना पढ़ेंगे, जीवाणु का जनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज रहने दीजिए, थोड़ा सा छोटा क्लास हो गया, कोई बात नहीं, आज रहने दीजिए, सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।